हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज हम बनाने जा रहे हैं थाई बेजल चिकन। तो चलिए, सबसे पहले एक बॉल में यहाँ पर मैंने ये ऑयस्टर सॉस है, फिर ये डार्क सोया सॉस, लाइट सोया सॉस, सेजवान स्पाइसी सॉस और ये पानी, दो बार पानी डाला है मैंने, और ये चीनी है। सबको डाल करके इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर इसको साइड रख देंगे। फिर इधर एक पैन में ऑलिव ऑयल डालेंगे, ये बारीक कटा हुआ गार्लिक है, लहसुन डालने के बाद जो है हल्का सा सॉटे कर लेंगे, उसके बाद कटा हुआ हरी मिर्च, उसके बाद ये कटा हुआ प्याज और साथ ही साथ जो है स्प्रिंग ऑनियन, दोनों को ही एक साथ डाल देंगे और एक मिनट तक इसको सॉटे कर लेंगे। इसके बाद ये साफ किया हुआ चिकन है, बोनलेस पीस है, चिकन को डालने के बाद इसको एक मिनट तक कुक कर लेंगे। फिर ब्लैक पेपर और नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डालिए और इसको चला लीजिए। एक दो मिनट कुक होने के बाद जब लगे कि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको जो है ढक करके मध्यम आंच पर दो तीन मिनट तक इसको पका लीजिए। यहाँ पे चिकन जो है पानी, देखिए पानी निकल गया है। तो दो तीन मिनट होने के बाद जो हमने पहले सॉस तैयार किया था वो सॉस को डालेंगे पूरा, और इसको मध्यम आंच पर ही इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसका जो सॉस है वो थोड़ा थिक ना हो जाए, क्योंकि अभी वो हल्का पानी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी डालेंगे, जिससे जो ग्रेवी है तुरंत गाढ़ा हो जाएगा। और ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन डालिए। और यहाँ पर जो है ये मैंने फ्रेश बेजिल लिया है, तो चूंकि ये क्वांटिटी कम था तो मैं साथ में ड्राई बेजिल भी डाली हूँ, लेकिन आप अगर फ्रेश बेजिल डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये ड्राई बेजिल पाउडर मैंने डाला है,